हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पाली थेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड बर्तन बाजार कानपुर से बोल रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको गोमूत्र के बारे में और जानकारियां देना चाहता हूँ कि गोमूत्र का क्या उपयोग है और गोमूत्र को किस तरह से चिकित्सा के काम में या बीमारियों के उपयोग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके उपयोग के बारे में तथा गोमूत्र के बारे में आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूँ। गाय एक शाकाहारी जीव है और घास फूस फल वनस्पतियां तथा अन्य खाद्य पदार्थ के ऊपर जिंदा रहती है। मनुष्य के जो भी चयापचय या और दूसरी खाद्य वस्तुएं हैं उनमें दूध का स्थान सर्वोपरि है और यह हमें गाय से ही मिलता है। दूध और दूध से बने पदार्थ मानव शरीर को पौष्टिकता प्रदान करते हैं और इसी कारण से जो भी खाद्य वस्तुएं मिलती हैं उनका उपयोग मानव करता है, जैसे कि दूध दही रबड़ी आदि। गोमूत्र के बारे में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि गाय एक शाकाहारी जीव है और शाकाहारी जीव के कारण वो केवल घास या थोड़े ऐसे किस्म की वेजिटेबल्स वो खाती है, बहुत चुनी हुई खाती है। गाय हमेशा बहुत चुना हुआ चारा खाते हैं, जैसे कि भूसा है, जैसे कि घास है, जैसे कि कुछ वनस्पतियां हैं और जैसे कि खाद्य पदार्थ हैं हम लोग जैसा खाते हैं। तो इस तरह से जो शाकाहारी जीव हैं उनके खाने से जो भी वो खाते पीते हैं और जो उनके खाद्य पदार्थ हैं वही सारी चीजें उनके शरीर में ऐसी मिलेट होकर के इकट्ठा होती है और उसी से उनको नरिश मिलता है। तो जैसा कि उसके यूरिन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इसके बारे में जो वेटरनरी के डॉक्टर्स हैं, जो जानवरों के डॉक्टर हैं, उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार जो भी केमिकल्स और जो भी वस्तुएं गाय के मूत्र में मिलती हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। एक तो ये है कि जो बायोकेमिकल एस्टिमेशन है काउ यूरिन का, वो कुछ चीजें इस तरह से बताता है, जैसे कि उसके अंदर सोडियम जो एक तरीके का केमिकल है, फाइटोकेमिकल भी है, फाइटोकेमिकल भी पाया जाता है और केमिकल भी है, डायरेक्ट केमिकल है, अब आजकल तो डायरेक्ट केमिकल मिल रहे हैं। दूसरे नाइट्रोजनस सब्सटेंस उसके यूरिन में मिलते हैं जो कि प्रोटीन का ही एक कैटाबॉलिक प्रोडक्ट है। तो जो नाइट्रोजन है, सोडियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ और इसके अलावा सल्फर मिलता है, यानी गंधक। गंधक इसलिए हो सकता है उसको मिल रही हो या गंधक ज्यादा मिलती हो, वो घास की वजह से है, क्योंकि घास जमीन में उगती है और उसमें गंधक जैसे पदार्थ पाए जाते हैं, ऐसा घास खाने वाले जानवरों में देखा गया है। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, यानी ये पांच विटामिन इसमें मिलते हैं गाय के यूरिन में। तो पांच ये चीजें हुई, यानी सोडियम, नाइट्रोजन, सल्फर, विटामिन ए बी सी डी ई। इसके अलावा मिनरल्स होते हैं, गाय के यूरिन में मिनरल्स भी हैं, बहुत से मिनरल्स हैं,
बेसिक मिनरल्स हैं, तो उसमें क्या है मिनरल्स के अलावा जो भी क्वांटिटी हो उनकी मिल रही हो वेरिएट करती है काउ टू काउ एंड प्लेस टू प्लेस। और इसके अलावा मैंगनीज, आयरन, सिलिकॉन यानी सिलिका, क्लोरीन, मैग्नीशियम, साइट्रिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, कैल्शियम साल्ट्स, फास्फेट्स, लैक्टोज और कार्बोलिक एसिड के अलावा बहुत से एंजाइम्स, क्रिएटिनाइन जो एक तरह की प्रोटीन होती है, और कुछ हार्मोन्स गाय के यूरिन में पाए जाते हैं। ये वेटरनरी डॉक्टरों ने मुझको बताया है और मैंने उनसे जो ज्ञान लिया है वो तो उन्होंने मुझको बहुत अधिक बताया है, फिर कभी आपसे चर्चा करूंगा। तो जो काउ यूरिन की एनालिसिस है उसमें इतनी चीजें मिली हैं और ये कितनी कितनी क्वांटिटी में होती है ये मैं आपको फिर किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ ये बताने का तात्पर्य है कि गोमूत्र के अंदर क्या क्या चीजें और क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं जो हमारे मानव शरीर में भी मिलते हैं और उनको पूर्ति करने के लिए अगर गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें क्या गलती हो सकती है ये बात तो समझ से परे है। तो गोमूत्र इसीलिए बहुत ही आवश्यक तत्व माना गया है आयुर्वेद में और इसका इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। गौ के मूत्र के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है और इसमें ये बताया जा चुका है कि किस तरह के सब्सटेंस इसके अंदर पाए जाते हैं। इनमें वो सभी चीजें मिलती हैं जो कि मानव शरीर के अंदर और पृथ्वी में पाए जाने वाले केमिकल हैं। मैं आपको अपने बचपन की घटना बताता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है और मेरे साथ ये हो चुका है इसलिए मैं इसको आपके साथ अवश्य शेयर करना चाहता हूँ। और ये मैं आपको शेयर करके ये बताना भी चाहता हूँ कुछ इसेंशियल बातें हैं जो गोमूत्र से संबंधित हैं। और चूंकि ये मेरे साथ हो चुका है इसलिए मुझे ज्यादा अनुभव भी है इसको बताने के लिए। बचपन में मुझसे एक मेरे बड़े भाई थे, 3 साल 4 साल बड़े थे, उनको इन्फेंटाइल लीवर हुआ और उस समय उनकी उम्र शायद 8 साल 9 साल की थी। इन्फेंटाइल लीवर होने से या उस समय जो भी परिस्थितियां रही हो वो लीवर की उनको तकलीफ हुई थी और ये कहा जाता था गांव में, ये कहा जाता था कि इसकी दवा केवल गोमूत्र है, ये उस समय कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। लेकिन उस समय चूंकि वो बहुत एपिडेमिक फॉर्म में थी, जो छोटे बच्चे होते थे उनको वो जरूर होती थी तकलीफ और उससे कम से कम 20 या 30% जहां तक आज मैं समझता हूँ 20-30% बच्चे उससे अफेक्टेड होते थे और उसकी कोई भी दवाई नहीं थी, ना एलोपैथी की थी ना होम्योपैथी, तो उस समय बहुत ज्यादा डेवलप भी नहीं थी, ना यूनानी बहुत ज्यादा डेवलप थी, केवल आयुर्वेदिक ही उस समय चला करती थी। तो जो आयुर्वेद के चिकित्सक थे वो गोमूत्र का ही उपयोग कराते थे, उसके अलावा वो कोई दवा भी नहीं देते थे। और जहां तक मुझे याद है कि घर के लोगों ने, बड़े भाई जो हमारे थे उनका नाम था जगत बंधु, तो जगत बंधु जो है वो मुझे याद है कि उनको जब ये तकलीफ हुई थी तो सब लोगों ने यही कहा, गांव के लोगों ने कहा कि आप इनको गोमूत्र पिलाना शुरू करें, लेकिन मेरी माता जी नहीं मानी,
और उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इसको गौमूत्र नहीं देंगे किसी भी हालत में, चाहे ये कुछ भी हो। अंत में ये हुआ कि उनकी डेथ हो गई और वो गुजर गए। कुछ दिनों बाद मुझको ये तकलीफ हो गई इन्फेंटाइल लीवर की। मुझको याद है अच्छी तरह से कि इन्फेंटाइल लीवर की जब मुझको तकलीफ हुई, ये डायग्नोज हुआ, तो यही बात पिताजी ने जो है वो माँ से कही, मेरी माता जी से कहा कि इसको जो है वो और दूसरी कोई अगर बचाना है इसको, यानी मुझको अगर बचाना है तो गोमूत्र का सेवन कराना कराओ इसको। तो पिताजी मुझको ले जाते थे एक हमारे जो ये जहाँ ये 67/70 भूसा टोली जो हमारा घर है, यहाँ हम लोग कम से कम 150 साल पहले से रह रहे हैं और ये बड़ा पुराना इलाका है कानपुर का। तो यहीं पर एक पास में एक बदल बदल करके यानी बदलू बदलू करके एक गाय पालने वाला था, मुझको उसका नाम अभी भी याद है। तो वो बदलू गाय वाला था, उसके यहाँ पिताजी सवेरे मुझको ले जाते थे और एक छोटी सी ग्लास होती थी, बहुत छोटी सी ग्लास थी करीब, जिसमें बच्चे जो है वो दूध पीते हैं, मेरे यहाँ अभी भी पड़ी हुई है। तो वो ग्लास भर के जब वो जाते थे तो उसको बदलू को पता था कि ये इसको जो है 120 दिन तक इसको गोमूत्र पीना है। तो वो ऐसी गाय वो चुनता था जो कि भूरे रंग की थी और या काले रंग की थी या सफेद रंग की थी, इस तरीके का कुछ था उसमें कि ये वेरिएशन होता है इनके इनके मूत्र में भी वेरिएशन होता है, वो कलर की वजह से उसमें वेरिएशन आते हैं, वो गुण धर्म भी उसी हिसाब से होते हैं। तो बदलू एक स्पेसिफिक गाय थी, वो चूंकि पिताजी को अच्छी तरीके से जानता था तो वो उसने एक स्पेसिफिक गाय का दूध वो मूत्र जो है मुझको वो संजो के रख लेता था और ताजा जो है जिस समय वो निकलता था उसी समय वो निकाल के वो मुझको पिला देता था। बदलू जो है वो निकालता था और वो पिताजी जो है मुझको पिला देते थे और पी करके हम घर आ जाते थे। ये थोड़ा सा एक 300-400 मीटर का फासला होगा हमारे घर से, तो वो लगातार पीते रहे। खैर उससे जो वो ठीक हो गए और जो हमारे मेरी जो तकलीफ थी वो लीवर की वो ठीक हो गई और मैं क्योर हो गया उससे। तो बहुत दिनों बाद मुझको ये पता लगा, जब थोड़ा बड़े हुए, थोड़ा समझदारी आई, थोड़ा अकल आई, तब ये सारी चीजें, और जब ये आयुर्वेद की चिकित्सा के क्षेत्र में आए तब ये सारी चीजें हमको पता लगे। और माँ बाप जब ये बात करते थे कि इसको वो तकलीफ हो गई थी और वो उसको पिलाया, तो एक चीज मैंने और देखी कि बदलू के यहाँ कम से कम जो है वो बड़ी संख्या में लोग आते थे गोमूत्र पिलाने अपने बच्चों को। ये एक विशेष बात मैंने वहां देखी कि छोटे छोटे बच्चे या बड़े बड़े बच्चे जो भी थे वो गोमूत्र पिलाने के लिए बदलू के यहाँ आया करते थे और वो मूत्र पीते थे। तो इस तरीके से उस समय वही एक चिकित्सा थी और एलोपैथी के भी डॉक्टर कह देते थे कि भाई इसको और कोई दवा ना दो, इसको गोमूत्र पिलाओ, जो वैद्य लोग जो है वो पिलाते हैं आप वही पिलाइए। वो भी हाथ खड़े कर देते थे क्योंकि उनके यहाँ कोई दवाइयां नहीं थी। मैं आपको अपने बचपन की घटना बताता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है और मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए मैं इसको आपके साथ अवश्य शेयर करना चाहता हूँ। और ये मैं आपको शेयर करके ये बताना भी चाहता हूँ कुछ इसेंशियल बातें हैं जो गोमूत्र से संबंधित हैं। और चूंकि ये मेरे साथ हो चुका है इसलिए मुझे ज्यादा
अनुभव भी है इसको बताने के लिए। बचपन में मुझसे एक मेरे बड़े भाई थे, 3 साल 4 साल बड़े थे, उनको इन्फेंटाइल लीवर हुआ और उस समय उनकी उम्र शायद 8 साल 9 साल की थी। इन्फेंटाइल लीवर होने से या उस समय जो भी परिस्थितियां रही हो वो लीवर की उनको तकलीफ हुई थी। और ये कहा जाता था गांव में, ये कहा जाता था कि इसकी दवा केवल गोमूत्र है, ये उस समय कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। लेकिन उस समय चूंकि वो बहुत इपिडेमिक फॉर्म में थी, जो छोटे बच्चे होते थे उनको वो जरूर होती थी तकलीफ, और उससे कम से कम 20 या 30%, जहां तक आज मैं समझता हूँ 20-30% बच्चे उससे अफेक्टेड होते थे, और उसकी कोई भी दवाई नहीं थी, ना एलोपैथी की थी ना होम्योपैथी, तो उस समय बहुत ज्यादा डेवलप भी नहीं थी, ना यूनानी बहुत ज्यादा डेवलप थी, केवल आयुर्वेदिक ही उस समय चला करती थी। तो जो आयुर्वेद के चिकित्सक थे वो गोमूत्र का ही उपयोग कराते थे, उसके अलावा वो कोई दवा भी नहीं देते थे। और जहां तक मुझे याद है कि घर के लोगों ने, बड़े भाई जो हमारे थे उनका नाम था जगत बंधु, तो जगत बंधु जो है वो मुझे याद है कि उनको जब ये तकलीफ हुई थी तो सब लोगों ने यही कहा, गांव के लोगों ने कहा कि आप इनको गोमूत्र पिलाना शुरू करें, लेकिन मेरी माता जी नहीं मानी और उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इसको गोमूत्र नहीं देंगे किसी भी हालत में, चाहे ये कुछ भी हो। अंत में ये हुआ कि उनकी डेथ हुई गई और वो गुजर गए। कुछ दिनों बाद मुझको ये तकलीफ हो गई इन्फेंटाइल लीवर की। मुझको याद है अच्छी तरह से कि इन्फेंटाइल लीवर की जब मुझको तकलीफ हुई, ये डायग्नोज हुआ, तो यही बात पिताजी ने जो है वो माँ से कही, मेरी माता जी से कहा कि इसको जो है वो, और दूसरी कोई अगर बचाना है इसको, यानी मुझको अगर बचाना है तो गोमूत्र का सेवन कराना कराओ इसको। तो पिताजी मुझको ले जाते थे एक हमारे जो ये जहाँ ये 67/70 भूसा टोली जो हमारा घर है, यहाँ हम लोग कम से कम 150 साल पहले से रह रहे हैं, और ये बड़ा पुराना इलाका है कानपुर का। तो यहीं पर एक पास में एक बद्दल बद्दल करके, यानी बदलू बदलू करके एक गाय पालने वाला था, मुझको उसका नाम अभी भी याद है। तो वो बदलू गाय वाला था, उसके यहाँ पिताजी सवेरे मुझको ले जाते थे, और एक छोटी सी ग्लास होती थी, बहुत छोटी सी ग्लास थी, करीब जिसमें बच्चे जो है वो दूध पीते हैं, मेरे यहाँ अभी भी पड़ी हुई है। तो वो ग्लास भर के जब वो जाते थे तो उसको, बदलू को पता था कि ये इसको जो है 120 दिन तक इसको गोमूत्र पीना है, तो वो ऐसी गाय वो चुनता था जो कि भूरे रंग की थी और या काले रंग की थी या सफेद रंग की थी, इस तरीके का कुछ था उसमें कि ये वेरिएशन होता है, इनके मूत्र में भी वेरिएशन होता है, वो कलर की वजह से उसमें वेरिएशन आते हैं, वो गुण धर्म भी उसी हिसाब से होते हैं। तो बदलू एक स्पेसिफिक गाय थी, वो चूंकि पिताजी को अच्छी तरीके से जानता था तो वो उसने एक स्पेसिफिक गाय का दूध, वो मूत्र जो है मुझको वो संजो के रख लेता था, और ताजा जो है जिस समय वो निकलता था उसी समय वो निकाल के वो मुझको पिला देता था। बदलू जो है वो निकालता था और वो पिताजी जो है मुझको पिला देते थे, और पी करके हम घर आ जाते थे। ये थोड़ा सा एक 300-400 मीटर का फासला होगा हमारे घर से, तो वो लगातार पीते रहे, खैर उससे जो वो ठीक हो गए। और जो हमारे मेरी जो तकलीफ थी वो लीवर की, वो ठीक हो गई और
मैं क्योर हो गया उससे। तो बहुत दिनों बाद मुझको ये पता लगा, जब थोड़ा बड़े हुए, थोड़ा समझदारी आई, थोड़ा अकल आई, तब ये सारी चीजें, और जब ये आयुर्वेद की चिकित्सा के क्षेत्र में आए, तब ये सारी चीजें हमको पता लगे। और माँ बाप जब ये बात करते थे कि इसको वो तकलीफ हो गई थी और वो उसको पिलाया, तो एक चीज मैंने और देखी कि बदलू के यहाँ कम से कम जो है वो बड़ी संख्या में लोग आते थे गोमूत्र पिलाने अपने बच्चों को। ये एक विशेष बात मैंने वहां देखी कि छोटे छोटे बच्चे या बड़े बड़े बच्चे जो भी थे वो गोमूत्र पिलाने के लिए बदलू के यहाँ आया करते थे और वो मूत्र पीते थे। तो इस तरीके से उस समय वही एक चिकित्सा थी, और एलोपैथी के भी डॉक्टर कह देते थे कि भाई इसको और कोई दवा ना दो, इसको गोमूत्र पिलाओ, जो वैद्य लोग जो है वो पिलाते हैं आप वही पिलाइए। वो भी हाथ खड़े कर देते थे क्योंकि उनके यहाँ कोई दवाइयां नहीं थी। गोमूत्र द्वारा इलाज करके जो भी अनुभव प्राप्त किए गए हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हो, और उनको इकट्ठा किया गया है, उसमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, और लोगों ने प्रयास भी किया है कि कौन कौन सी बीमारियों में गाय का मूत्र बहुत ही प्रभावशाली है, और उसके लिए उन्होंने एक फेहरिस्त भी दी है। ये फेरिस्त आपके सामने है, और इस फेरिस्त को देखिए। गोमूत्र द्वारा जो भी बीमारियां क्योर की जा चुकी हैं, उनके सबसे पहले नंबर है सन स्ट्रोक का, यानी लू लग जाने से कोई तकलीफ है, कार्बंकल का है, डिसेंट्री का है, खून की कमी का है, एक्जिमा है, और ये पित्त अगर बढ़ जाए, इसके अलावा तिल्ली बढ़ जाए, बहुत ज्यादा पेशाब होने लगे, जिनको शराब पीने की आदत है वो शराब छुड़वाने के लिए है, छोटी जो मीजल्स हैं उसके लिए है, मुख की तकलीफें हैं, बेहोशी आ जाना उसमें भी दूर हो सकती है, डायसूरिया है, पेशाब कम आ रही है, डायसूरिया है, और जो पेशाब की नली है उसके भीतर का घाव है, मोटापा है, लीवर की तकलीफ है, हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड इम्प्योरिटी है, यानी खून की कोई खराबी है, पागलपन है, सिफिलिस है, प्लूरिसी है, यानी फेफड़े में अगर पानी भर जाए उसके लिए है, और पेट में जो उरु स्तंभ वात है, यानी कमर में जो लंबैगो है, पेन है उसके लिए है, लेप्रोसी के लिए यानी कुष्ठ के लिए है, कान की तकलीफ है, मिर्गी है, चक्कर आ रहे हैं, और जी मिचला रहा है, ट्यूमर है, प्लीहा है, बवासीर है, प्रोस्टेट है बढ़ गई है, कैलकुलस है, पथरी है, और हड्डियां नहीं जुड़ रही हैं, बोन फ्रैक्चर है, डायबिटीज है, किसी ने अफीम खा ली है उसका जहर है, गैस बन रही है पेट में, पेट नहीं साफ हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, डिस्पेप्सिया है, भोजन नहीं हजम हो रहा है, इंडाइजेशन है, यानी कि भोजन ना हजम हो, भूख ना लगे, डायरिया है, पतले दस्त आ रहे हैं, हार्निया की तकलीफ है, एसिडिटी है, एपेंडिसाइटिस है, एंड डक्टलेस ग्लैंड्स की कोई तकलीफ है, और कैंसर का भी है। तो इतनी लंबी फेरिस्त इसकी है जो लोगों ने ऑब्जर्व की है। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा और इसीलिए उन्होंने बताया भी होगा। मैं अपने अनुभव आपको बाद में शेयर करूंगा, अभी तो ये आप लिस्ट देखिए। आयुर्वेद के मत के हिसाब से गोमूत्र वात हर है और कफ हर है, यानी ये कफ और वात दोष को ठीक करता है। अब इसके पीछे की एक बात यह है कि यह पित्त कारक है। ये क्यों करता है? इसका कारण यह है कि ये पित्त कारक है, यानी इसके पीने से पित्त बढ़ता है और पित्त गर्म होता है। गर्म से सबसे बड़ी फायदेमंद बात यह होती है कि गर्म से वायु और कफ
दोनों ही शुद्ध होते हैं और वायु और कफ दोनों का शमन होता है। यानी पित्त कारक अगर कोई चीज है, पित्त बढ़ाने वाली कोई चीज है, पित्त के लिए आयुर्वेद में ये कहा गया है कि इसका मिजाज गर्म होता है और जो गर्म चीज होगी वो वायु को और कफ को पिघला करके सुखा करके उनको अपने स्थान पर ले आएगी, ये इसका एक मंतव्य है। इसलिए इसको वात और कफ से जुड़े रोगों से या वात और कफ से जुड़े जो भी रोग है या सम्मिलित रोग है या मिश्रित रोग है उनको गोमूत्र ठीक करता है, ऐसा आयुर्वेदज्ञों का मत है। क्योंकि ये पित्त कारक है, ये पित्त को बढ़ाती है, शरीर की गर्मी को बढ़ाती है। तो शरीर की गर्मी का बढ़ने का मतलब ये है कि जो शरीर का मेटाबॉलिक रेट है यानी कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, BMR है, ये गोमूत्र के पीने से बढ़ता है। जब BMR बढ़ेगा शरीर का तो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है, जो स्लो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो बढ़ेंगी और उनके बढ़ने से जो हीट पैदा होगी उससे जो वात या कफ यानी जो म्यूकस है या शरीर का जो विंड टेम्परामेंट है वो शमन होएगा, वो दूर होगा, वो हटेगा, चाहे वो पसीने से निकले, चाहे वो कफ से निकले, चाहे वो कफ सूखा होके निकले। तो ये पित्त कारक होने की वजह से वात और कफ के जो रोग होते हैं उनका ये शमन करता है। ये इसका एक वैज्ञानिक स्वरूप मैंने आपके सामने रखा है। इम्यूनो मॉड्यूलेशन के ऊपर भी बहुत सी रिसर्च की गई है और इसको वहीं पर देखना चाहिए या उससे संबंधित विषय है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। मैं गोमूत्र के बारे में अपने अनुभव के बारे में आपको बताता हूं। मैंने गोमूत्र का हमेशा इस्तेमाल अनुपान के तौर पर किया है और मुख्य औषधि के तौर पर नहीं किया है। जैसे कि लीवर से संबंधित तकलीफें हैं या किडनी से संबंधित तकलीफें हैं या हृदय रोग से संबंधित तकलीफें हैं या मस्तिष्क के रोग से संबंधित तकलीफें हैं, उन सभी तकलीफों में मैंने मुख्य दवाइयों के साथ में या दूसरी भी तकलीफें रही हैं जैसे HIV है या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या कोई बहुत ही सीरियस और गंभीर बीमारी है, उसमें जो भी आयुर्वेदिक की औषधियां हुई है, चाहे वो कास्ट औषधियां हो या रसायन से निर्मित औषधियां हो या जो भी मिनरल्स से मिली जुली औषधियां हो या हर्बो मिनरल्स हो, उनके साथ में उनकी ताकत बढ़ाने के लिए, उन ओरिजिनल दवाइयों की ताकत बढ़ाने के लिए मैंने हमेशा गोमूत्र का अनुपान रखा है। यानी वो दवा खा करके ऊपर से गोमूत्र का सेवन करें, 30 मिलीलीटर या 15 मिलीलीटर पानी में मिला करके उसका मैंने इस्तेमाल करवाया है। अकेले गोमूत्र का मैंने किसी को भी सेवन करने की सलाह नहीं दी है क्योंकि अनुपान के रूप में जो मेरा अनुभव रहा है वो बहुत बेहतर किस्म का रहा है और इससे फायदा भी काफी बेहतर किस्म का मिलता है। गोमूत्र को आसो अरिष्ट के साथ में भी मिला करके भोजन के बाद ले सकते हैं, उससे आसो अरिष्ट की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। अनुपान का मतलब यह है कि आप अलग से बीमारी को दूर करने के लिए जो अन्य दवाइयां हो सकती हैं, जो मुख्य दवाई के साथ में सेवन की जा सके, वो अनुपान कहा जाता है। और इसीलिए मैं मुख्य दवा के साथ में गोमूत्र का सेवन करने की सलाह देता हूँ। अकेले मैंने कोई अनुभव नहीं किया है इसलिए मैं आपको इसके बारे में अधिक जानकारी ऑथेंटिक रूप से जो रिसर्च के उद्देश्य से ज्ञात की गई हो वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसका मैंने अनुभव नहीं किया है। समूत्र का जरूर मैंने अनुभव किया है और समूत्र का सेवन भी मैंने किया है, जिसके बारे में मैं आपसे फिर चर्चा करूंगा।
और जो लोग समुद्र चिकित्सा में विश्वास रखते हैं उनके बारे में मैं उनको बताऊंगा कि ये फायदेमंद है, नुकसानदेह भी है और इसमें क्या है। अकेले मैंने गोमूत्र का सेवन किसी को नहीं कराया है, इसलिए मेरा उसमें कोई अनुभव नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक औषधियों के साथ में गोमूत्र का सेवन अवश्य फायदेमंद है। और मेरा सबसे अनुरोध भी यही है कि गोमूत्र का सेवन आयुर्वेदिक दवाओं के साथ में इस्तेमाल करें, अनपान के रूप में इस्तेमाल करें, वो ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा फायदेमंद है। इसी के साथ मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारा चैनल शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों को भी बताएं ताकि सब अपना ज्ञान वर्धन कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद। थेरेपी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर प्रेजेंट्स दिस वीडियो एंड दिस वीडियो कॉन्सेप्ट इज डन बाय डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी, बीएमएस आयुर्वेदाचार्य, एमडी मेडिसिन, पीएचडी ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन, डिप्लोम होम्योपैथी जर्मनी, एमआईसीआर मुंबई, सीआरसी कार्डियो वैस्कुलर। डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी इज इन्वेंटर एंड चीफ ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन इन्वेस्टिगेटर एंड आयुर्वेदा ब्लड केमिस्ट्री एंड यूरिन केमिस्ट्री लेबोरेटरी टेस्ट डेवलपर। याद रखें और भूलिए नहीं, असाध्य रोगों के इलाज का एकमात्र स्थान सभी बीमारियों का, जहां आयुर्वेदिक होम्योपैथी यूनानी दवाओं द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी, डॉक्टर एवी वाजपेयी, कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर, 67/70 भूसा टोली रोड, बर्तन बाजार, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। मोबाइल 8604622919 पर संपर्क करें।